तो आ गया है एक और नए वीडियो के साथ हूँ आप इस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने डीजे मिक्सिंग यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करके पैसे कमा सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप जो अपने डीजे मिक्सिंग यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर मोनिटाइज करके पैसे कमा सकते हो। आप लोगों को पता होगा जो डीजे मिक्सिंग यूट्यूब चैनल होते हैं उनका यूट्यूब जो है मोनिटाइज इनेबल नहीं करता। उसके पीछे की रीज़न दोस्तों ये होता है कि जो म्यूज़िक हम यूज़ करते हैं डीजे मिक्सिंग के लिए वो म्यूज़िक किसी और का होता है। भले ही पूरी एडिटिंग आप करते हो, उस म्यूज़िक की सारी प्रोसेस आपकी होती है, बट जो म्यूज़िक होता है वो किसी और का होता है। इस वजह से यूट्यूब जो है उस चैनल को मोनिटाइज नहीं करता। बट आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप जो अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करके उन पे एड्स दिखा के पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों कि अपना जो डीजे मिक्सिंग का चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए तो आपको जो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आगे मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब देते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम जो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं, अब हम बात करते हैं किस तरह से आप अपने डीजे मिक्सिंग यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करके वहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो आपको जो कोई दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप जो है डीजे मिक्सिंग वीडियो पर ही यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइज लेके वहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो उसके लिए जो जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लाई भी ज़रूर से कर लेना, तभी आपको जो यूट्यूब की तरफ से मोनेटाइज भी इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कोई भी एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो डीजे मिक्सिंग के लिए तो आपको जो उसे उसी वक्त रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा वीडियो जो है एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियो बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यूट्यूब पर जो डेली सर्च होते रहता है कि हाउ टू मिक्स ए सॉन्ग, तो उसमें जो है आपका भी वीडियो शो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक सॉन्ग का डीजे मिक्सिंग नहीं किया है, यहाँ पर आप जो ट्यूटोरियल वीडियो बनाया और यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी बंदा सर्च करेगा हाउ टू रिमिक्स ए सॉन्ग तो उससे जो है आपका भी वीडियो दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने जो ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यूट्यूब को जो इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये जो वीडियो है एक ट्यूटोरियल वीडियो है, यहाँ पर आपने सिखाया है किस तरह से म्यूज़िक को डीजे मिक्स कर सकते हो या रिमिक्स कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली किसी भी म्यूज़िक को यूज़ करोगे और उसे डीजे मिक्सिंग करके अपलोड करोगे तो ये म्यूज़िक जो होता है वो किसी और का होता है, इस वजह से यूट्यूब जो है हमारी मोनेटाइज इनेबल नहीं करता। अभी मैं आपको और डीप में बता देता हूँ यही बात, आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो डीजे मिक्स के लिए तो आपको जो उसे रिकॉर्ड करते रहना, जिस तरह से जो जो प्रोसेस आप करते हो उन सारी प्रोसेस को रिकॉर्ड करते रहना कि आप कौन से ऑप्शन पर जाते हो तब आपकी बेस बढ़ती है, या कोई भी दो म्यूज़िक को आप किस तरह से रिमिक्स करते हो। इस तरह से कोई भी दोस्तों वीडियो को जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से आपको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो उसे एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। अगर डीजे म्यूजिक सॉन्ग रहता है तो कोई भी जो है आधा अधूरा वीडियो देखता है उसके बाद चले जाता है, पर अगर आपने ट्यूटोरियल बनाया है तो जो वीडियो जो अगर आपने दोस्तों ट्यूटोरियल बनाया है तो वीडियो जो है सभी लोग पूरा देखेंगे, क्योंकि उन्हें सीखना होता है कि किस तरह से डीजे मिक्स करते हैं किसी भी सॉन्ग का। और ये दोस्तों आजकल जो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, अगर आपका डीजे मिक्स का चैनल है तो आप जो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके लिए तो आपको वो सारी बताना है। अगर आप वॉइस ओवर कर सकते हो तो और भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप वॉइस ओवर नहीं कर पाते हो तो आपको जो टाइटल के हेल्प से बता देना है कि आपको ये ऑप्शन पर जाना है, ये ऑप्शन पर जाने के बाद आपका बेस बढ़ जाएगा, या इस तरह से आप जो डीजे मिक्स कर सकते हो। तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से तो आप जो है किसी भी डीजे मिक्स चैनल को यूट्यूब पर मोनेटाइज कर सकते हो। तो अभी तक जो भी वीडियो आपने अपने चैनल पर डाल रखी थी आप उसे प्राइवेट कर सकते हो, या डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप जो वीडियो को प्राइवेट करके रख देना। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले होंगे तो एक बार इस तरह से जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से एक बार अप्लाई करके देखना। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे वीडियो पर जो है आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि एक ट्यूटोरियल वीडियो होता है और बहुत सारे लोग जो है ये सीखना चाहते हैं किस तरह से डीजे मिक्स किया जाता है। जितना अच्छा आप जो ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपके जो है वीडियो पे वॉच टाइम आएगा, और जितना वॉच टाइम आएगा उतनी ही आपकी वीडियो जो ऊपर सर्च में जाएगी। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाते रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना, और दोस्तों इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर देना कि ताकि उन लोगों को भी पता चले जिन लोगों का डीजे मिक्सिंग चैनल है वो अपने चैनल को यूट्यूब पर मोनेटाइज भी कर सके। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।